हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आमिर, आप हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमरावती वाला आमिर। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पल्सर 220। जो ये वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं, तो ये सभी बाइक्स के लिए, स्कूटी के लिए कंपलसरी है। तो आप इसको जानकारी को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, फिर भी वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको एक्सीलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सीलेटर में हमारे प्ले कितना होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूँगा। तो आप देखेंगे कि हमारे एक्सीलेटर में ये प्ले है। आपको शायद नहीं पता हो, मैं शुरू करके बताऊँगा आपको, बाइक ऑन करके बताऊँगा कि बाइक के एक्सीलेटर में कितना प्ले होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। एक्सीलेटर में प्ले इसलिए होना चाहिए, जब भी हम बाइक राइड करते हैं तो हम अगर एक्सीलेटर दे तो थ्रॉटल जब भी हम दें तो उससे क्या होगा कि आपका आपके बाइक को झटका ना लगे। यानी कि आप चल रहे, अगर आपने एकदम से क्लच छोड़ के अगर एक्सीलेटर दिया तो झटका ना लगे। इसलिए ये क्या होता है कि थोड़ा सा आपके कलाई में मूवमेंट के लिए ये एक्सीलेटर में प्ले होना चाहिए और ये सभी गाड़ियों के लिए कंपलसरी है। तो अभी मैं आपको ऑन करके बताऊँगा बाइक हमने न्यूट्रल कर ली है। तो दोस्तों, बाइक अभी शुरू है और देख रहे हैं आप, ये एक्सीलेटर है और मैं देखो एक्सीलेटर को अभी मूव कर रहा हूँ, मतलब हला रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो इसमें कुछ भी गाड़ी रेस नहीं हो रही है। ये जो है थोड़ा सा नॉर्मल, ये देखो इतना घुमाया बाद फिर गाड़ी रेस होगी। इसको छोड़ने बाद ये वापस रिटर्न आएगा, इतना प्ले है। आप अगर R5 देख रहे होंगे लिखा हुआ, आपको समझ में आएगा। जब भी मैं इसको घुमाता हूँ इतना इसमें प्ले होना चाहिए, तो आप शायद समझ गए हो। तो इसी तरीके से हर बाइक के एक्सीलेटर में, थ्रॉटल में प्ले होना चाहिए और ये आपके बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी, जो झटका लगता है हमें चलाने के वक्त वो नहीं लगेगा। और प्ले आप इसका बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इसमें एडजस्टमेंट होता है, ये जो नीचे के साइड में देख रहे हैं आप, एक इधर में एडजस्टमेंट होता है, ये सभी बाइकों में होता है। और दूसरा एडजस्टमेंट जो होता है वो ये वाला है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो है ये एक्सीलेटर वायर है, एडजस्टमेंट होता है। तो आप इसको खुद ना भी करें, मैकेनिक को बोल के आप आसानी से करवा लेंगे, वो फ्री में कर देंगे आपको थोड़ा सा प्ले, कोई ख़ास बात नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।